सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आधार सेवा केंद्र के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आधार सेवा केंद्र आप अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र तक कैसे जा सकते हैं और सीएससी मॉडल आधार केंद्र क्या है या स्टेट आधार सेवा केंद्र क्या है। सो हाय गाइस, मैं अमर, आप देख रहे हैं टेक गुप्ता यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आधार सेवा केंद्र के बारे में। So, दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं हो सके तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस छोटे से नन्हे से बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल जरूर सेलेक्ट कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो दूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे और आप हमारे वीडियोस को रोजाना देख पाए। सबसे पहले चलते हैं इस न्यूज़लेटर पे। मॉडल सीएससी सेंटर एंड आधार सेवा केंद्र इनोग्रेटेड इन कर्नाटका, यानी कर्नाटका में जो है आधार सेवा केंद्र खोला गया मॉडल सीएससी सेंटर के अंतर्गत। तो मॉडल सीएससी सेंटर क्या होता है? तो मॉडल सीएससी सेंटर स्टेट लेवल पे वर्क करने वाला होता है और इसको जो है आधार सेवा केंद्र का भी काम दिया जाता है। नॉर्मल वीएलई मॉडल सीएससी सेंटर नहीं ले सकते हैं, इसका जो भी देखरेख है स्टेट टीम सेंट्रल टीम के द्वारा किया जाता है और स्टेट लेवल पे ही दी जाती है। अगर आपको मॉडल सीएससी सेंटर खोलना है या इसके रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आपको अपने स्टेट हेड से बात करना होगा। स्टेट हेड का अगर आपको नई जानकारी पता है तो आप हमारे चैनल पे आकर सर्च कर लेना सीएससी स्टेट टीम आप सर्च कर लेना, यहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगा। इसमें मैंने बता रखा है अगर आपका डीएम जैसे बात नहीं मानता है तो आप डिस्ट्रिक्ट सॉरी इनसे कैसे स्टेट टीम से कैसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक मित्र का ये है लिंक दिया गया है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को फाइंड कर सकते हैं और स्टेट टीम का भी लिंक आपको दिया गया है। तो स्टेट हेड से भी आप बात कर सकते हैं आधार कार्ड वर्क को लेकर, या फिर आप जो है मॉडल सीएससी को लेकर इनसे भी बात कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो आधार कार्ड अपडेट के तहत इन शहरों में खुले 21 आधार केंद्र, यहाँ देखे सूची 93 केंद्र और खुलेंगे। तो यहाँ पर जो है आधार सेवा केंद्र जो है बहुत जगह पर खोले गए हैं, इसमें से कर्नाटका भी एक है जो सीएससी के माध्यम से खोला गया है। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारा लिस्ट दिया गया है, दिल्ली अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन दिल्ली में खोला गया है, दिल्ली में है, आगरा में है, हिसार में है, चंडीगढ़, भोपाल, चेन्नई, लखनऊ, पटना, देहरादून, गुवाहाटी, रांची, जयपुर, उसके बाद सिलवासा, समीला, यहाँ पे बहुत जगह है, बेंगलुरु, हैदराबाद, मैसूर, ये सभी जगह पर खोले गए हैं। तो यहाँ जाकर आप आधार कार्ड रिलेटेड बहुत सारे काम करवा सकते हैं और आप जो है इस सभी 21 सेंटर के तहत अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दिल्ली में आपको 3 मिल जाता है, बिहार में भी है, पटना में आपको 1 मिल जाता है, रांची में भी है, जयपुर में भी है। तो इन जगहों पर जो है आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा के आधार का काम करवा सकते हैं। अगर पर्टिकुलर आप इन्हीं जगह से बिलोंग करते हैं तो आधार सेवा केंद्र आपके लिए बहुत अच्छी सर्विस है। अगर हम आपको बताएं आधार अपॉइंटमेंट का, तो अगर आपको नहीं पता चैनल पे आकर आधार AWPOINTNENT आधार अपॉइंटमेंट आपको सर्च कर लेना है, आपको आधार कार्ड अपॉइंटमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हमने इसका वीडियो दे रखा है कि आधार कार्ड अपॉइंटमेंट लेकर आप कैसे काम करवा सकते हैं, ठीक है? तो इसको आप देख लीजिएगा। या फिर अगर आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं UIDAI.gov.in, तो यहाँ पर भी आपको आधार सेवा केंद्र, यहाँ पे देखिए आधार सेवा केंद्र का ऊपर में ही लिंक दिख जाता है। आधार सेवा केंद्र से आप बहुत कुछ करवा सकते हैं, जैसे कि इसका टाइम है 9:30 से 5:30 बजे, यानी 9:30 to 5:30, और ये जो है यहाँ से आप करवा सकते हैं आधार एनरोलमेंट अपडेट और एनी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन इन देयर आधार नेम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी आप अपडेट करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकते हैं, जैसे कि फोटो, फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन, ये सब करवा सकते हैं, डाउनलोड और प्रिंट करवा सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग की भी सर्विस दी गई है। अगर आपको डिटेल में चाहिए ट्यूटोरियल वीडियो तो यहाँ पे आपको वीडियो दिया गया है जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी बताई गई है आधार बुक अपॉइंटमेंट के बारे में। यह आधार कार्ड UIDAI की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको बताया गया है बुक एन अपॉइंटमेंट आधार सर्विस, यहाँ पे कैसे बुक करना है वो बताया गया है। ये देखिए बुक एन अपॉइंटमेंट करके जाइएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सिटी आपको डालना है, तो ये सभी यहाँ पे लिंक दिखाई गई है। आप जैसे ही जाएंगे माय आधार में तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बुक एन अपॉइंटमेंट, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अपना सिटी डालना है, यहाँ पे टोटल दिख जाएगा, जैसे कि आगरा, भोपाल, यहाँ चंडीगढ़, चेन्नई,
तो यहाँ पे पटना का दिख जाएगा, पटना पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट, बुक एन अपॉइंटमेंट एट रजिस्ट्रार रन आधार सेवा केंद्र, बुक एन अपॉइंटमेंट एट रजिस्ट्रार रन आधार सेवा केंद्र, प्रोसीड टू बुक आधार। तो यहाँ पे जो है इंडियन रेसिडेंस मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो है ये भी कर सकते हैं आधार सेवा केंद्र ओपन करने के लिए, आप रजिस्ट्रार के तौर पर भी बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट के तहत आप बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, न्यू आधार करना चाहते हैं, आधार अपडेट करना चाहते हैं या मैनेज अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा, एक बार ओवरव्यू जरूर ले लीजिएगा। तो बस दोस्तों, और आधार सेवा केंद्र के रिलेटेड अपडेट आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में यही था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आप सभी का दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम।